स्वागत है आप लोगों को हमारा चैनल AHMJ न्यूज पर। आप लोगों को पता ही होगा कि तीन कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहा है देश के राजधानी दिल्ली में। और ये आंदोलन के पीछे का चेहरा, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ था तब से ही ये एक सवाल ही रह गया था कि इसके पीछे का चेहरा कौन है। लेकिन जब ये 26 जनवरी के बाद ये आंदोलन बिखर गया था, लेकिन फिर ये आंदोलन बहुत ही मजबूत से शुरू हुआ है। और अभी ये आंदोलन के पीछे का चेहरा है राकेश टिका, और उसी ने ये आंदोलन को फिर हिम्मत दिया और मजबूत किया और ये आंदोलन फिर से शुरू किया। ये और आंदोलन ये ख़त्म नहीं होगा जब तक ये तीनों किसी कानून वापस नहीं ले लेगा सरकार, तब तक ये आंदोलन नहीं ख़त्म होगा। ये राकेश टिका का भाषण है, पूरे जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। और राकेश टिका का पूरा भाषण कि वो क्या क्या कह रहा है, ये आंदोलन कब तक ख़त्म होगा, और ये आंदोलन में आगे क्या क्या और भी तैयारी कर रहे हैं आंदोलन में। और ये आंदोलन झारखंड में भी शुरू हो चुका है आंदोलन किसी कानून के खिलाफ। तो आप लोग ये वीडियो भी नहीं देखा है कि झारखंड में कहां से आंदोलन शुरू हुआ है, और ट्रैक्टर रैली भी होने वाला है 20 तारीख को ये झारखंड में भी। तो सब वीडियो अगर आप लोग नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे चुका हूँ, उसे जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो को, पूरा जानकारी आप लोगों को मिलेगा आंदोलन के बारे में देश के राजधानी दिल्ली में। तो पूरा जानकारी आप लोगों को मिलेगा, तो देखते रहे वीडियो को अंत तक। और एक तरफा बेचने का काम शुरू कर दिया। ये तो अगर लगाम थामी है तो किसानों ने थामी, किसानों ने नहीं तो और तो कोई आया ही नहीं सामने। सब बिकते चले गए, टेलीफोन विभाग बिक गया, कई लाख कर्मचारी खत्म हो गए। भाई कौन सा सिस्टम था हमारा? BSNL जिसके पास में अपनी जमीन, अपनी लाइन बिछी हुई, अपने कर्मचारियों के क्वार्टर बने हुए, और वो घाटे में एक बाहर का आया खंबा किसी के घेर में गाटा और वो मुनाफे में। कौन सी पॉलिसी थी ये? मतलब ये बात समझ में नहीं आई। हमारे दुकानदार कल आए थे, दुकानदार मंडी वाले मुजफ्फरनगर मेरठ और वहां से, उन्होंने कहा जी वोट तो इसको दे दी थी, हमारी जान बचा तो हम तो गए। कौन खरीदने आ गया है? बाहर खरीद की दुकान लगा दी और मंडिया खत्म, 2 साल में बर्बाद हो जाएगी जैसे बिहार में हुआ। घास जम गई बिहार में 5-5 फुट की मंडी में खत्म। मंडी का मतलब MSP नहीं है, जैसे पानी देती है। MSP खाली हरियाणा के कुछ क्षेत्र में कुछ फसलों पे और पंजाब में मिलती है, और जब आप तो मंडी है ही नहीं, वो MSP है ही नहीं। ये जो बड़ी लड़ाई है, और जहां रोड़ा ठकरा राज्यपाल जी वहां पे बात करते हैं, सब लोग बातचीत वहां पे करते हैं जब जाते हैं, 40 लोग हैं हमारे, हम MSP पे बात करते हैं, वे कहते हैं जी नहीं MSP नहीं दे सकते। भाई आप ये बताओ कि दिक्कत कहां है? आप उसको कर दो व्यापारी साहब, अपने आप निमट लेंगे। अगर आपको व्यापारी का हित चाहिए तो उसको डिफरेंस दे दो आप हमको। यहाँ पे एक बार 400 रुपए बाजरे पे दिया हरियाणा में, लेकिन बिहार और आसाम का जो किसान है, जो पहाड़ पे रह के खेती करता है, जो धान की खेती करता है, उसको तो MSP का पता ही नहीं कुछ भी। ये लड़ाई जो जत्थेबंदी 40 लोगों की है, ये पूरे देश के किसानों के फैसले करेगी, भारत सरकार से पूरे फैसले ये करेगी। इसमें छोड़ना पड़ेगा कि झंडा किसका है, बैनर किसका है, ये पूर्ण रूप से छोड़ के ये किसान का झंडा किसान का बैनर है, इस पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमको। हमें पूरे देश का विश्वास, जो पूरे देश के किसानों ने विश्वास करा है, और आंदोलन को किस गर्दिश में सरकार ले गई थी कि एक धार्मिक झंडा लाल किले के ऊपर लगवा के और पूरा देश ही बर्बाद कर दिया। मतलब ऐसी नफरत फैला दी थी कि भाई ये सरदार तो बहुत खराब कौम है, और उसके साथ में कह लगे ये किसान भी खराब है, कह लगे तो देश का गद्दारी है ये सारे के सारे। सीधा पगड़ी पे हमला करा था, कुछ नहीं बचा था, कुछ भी सब निपटा दिया था उस दिन। ये तो ऊपर ले वाले की मेहरबानी मान लो,
कि लोग फिर जुड़े, क्योंकि एक विश्वास, एक आस्था, एक सम्मान हमारे 40 के 40 लोगों में आम जनता का था, और वहां से ही उसी उससे फिर उठ गए। बार बार कह रहे हैं कि अब सिंगू बॉर्डर की बजाय जो गाजीपुर बॉर्डर है वो ऑफिस हो गया, मगर ना गलत फहमी में सरकार ना रहे, ना कोई अधिकारी रहे, हमारा पंच भी वही रहेंगे और हमारा मंच भी वही रहेगा। न हम पंच बदलेंगे न हम मंच बदलेंगे। ज्यादा दिमाग सरकार खराब न करे। अभी इस जवान और किसान ने ये कहा है कि बिल वापसी कर लो, अभी गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया हमने, हमने नहीं लगाया अभी गद्दी वापसी का। सरकार आप ही बनाओ, आप ही चलो, जो करना है करो, आप हमारे काम करते रहो। हम जो भी सरकारें आएंगी वो किसी भी पार्टी की सरकार स्टेट में हो या सेंटर में हो, हम उसी सरकारों से बात करते हैं पॉलिसी पे। किसान की प्रायोरिटी हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, गांव की प्रायोरिटी हमारी पहली होगी, फसलों के दाम का सवाल हमारे लोग उठाते रहेंगे। और मेरे पत्रकार बंधुओं, अगला तो बिल आपके खिलाफ आना है, सेंसर बोर्ड बैठना है, एक का खबर छन छन का जाएगी, किसी की हिम्मत नहीं कि आप अपने कलम से खबर लिख दोगे। सोशल मीडिया का टारगेट है, ये तो पापा रहेगा, ये टारगेट। तीन बिल वापसी नहीं होंगे तो घर वापसी नहीं होगी, ये पूरा नाम है किसानों का। एमएसपी पे कानून बनेगा, तीन बिल वापसी होंगे, आगे कमेटी बनेगी और जो कमेटी फैसले लेगी उसको आप सब लोग बात करेंगे। जींद हाईवे जाम, पानीपत और हाईवे जाम, मतलब 20 मिनट में तो कवर कर लिया था पूरा देश। हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा का नौजवान करेंगे एक सम्मेलन, नौजवानों का भी करेंगे। उसमें 50 साल से नीचे का रहेगा, 50 साल से ऊपर के की एंट्री नहीं रहने की उसमें। वादे भी करने पड़ेंगे। हमने कहा ट्रैक्टर की बात कह दी कमेटी ने कि भाई ट्रैक्टर लेकर चलेंगे, उसकी स्पीड भी बताई थी भाई 15 से ज्यादा न चलियो, लेकिन आपने ट्रैक्टर तो वहां 3.5 ट्रैक्टर ले गए। अरे हमने तो एक लाख ट्रैक्टर मजाक में ही तो कह दिया था, कोई 1 लाख ट्रैक्टर जाते हैं कहीं? मतलब पूरा पंजाब और पूरा हरियाणा 8 दिन तक दे ट्रैक्टर था, क्या करो थे भाई? कोई चीज कह दे, अब हमको भी देखभाल के करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज है, ये ध्यान से सुन लेना, ये जो आपस में तालमेल है ना आपस का, ये बैठा कर रखना, सरकार इसको तोड़ने की कोशिश जरूर करेगी। और लड़ने वाली कौम अभी के हमको मिली, हाथ लगी या इसकी तलाश हमें भी बहुत दिन से थी। जो यह सरदार कौम है ना, यह बहुत भयंकर जत्थेबंदी और यह ठियेबंद की कौम है। ये जो लंगारा भंडारा चलाते हैं, ठीक है साहब, भी कहते थे कि भाई तवार तभी ठंडी नहीं होनी चाहिए। हमसे 1-2 दिन का तो हम पूरा पाट रहे हैं, लेकिन हमारे से 8-10 दिन का पूरा नहीं पटता। अब हमको मिल गई, अब फौज मिल गई, और इसके पीछे है खाप पंचायत। आपको छोड़ के नहीं जाने के, कोड़ी जैसी सरकार की बरक्की, ऐसी सरदार की बरक्की छोड़ दे रही। ये तालमेल 1,800 किलोमीटर तक भी जाके हमले करेगा। अगर कोई सरकार गलत फहमी में है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भोपाल की सरकार किसानों का कुछ कर देगी,
ये जत्थेबंदी जब यहाँ से जुड़ेगा ना खड़ा, ये भोपाल तक भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर गांव में भंडारा चलेगा, अपना 8 दिन में चल जाएंगे, कोई 2 दिन में जाना जरूरी है। जब इंगेजा चलेंगे अपना चलते चल जाएंगे, संगठन का संगठन बढ़ेगा और अपना काम का काम हो जाएगा, मेले का मेला हो जाएगा, आंदोलन का आंदोलन हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो दिल्ली के 300 से 400 किलोमीटर के जो रेडिएशन में है, ये संगठन अगर हमारा मजबूत रहेगा तो पूरे देश के किसानों का भाग्य का फैसला ये लोग करेंगे। आसाम के लोग यहाँ नहीं आ सकते, आपको नहीं पता कर्नाटक में जब हमारे ट्रैक्टर चले दिल्ली में तो कर्नाटक के अंदर 10,000 ट्रैक्टर चले, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सब जगह ट्रैक्टर निकले। हमने कहा कि अब के 4 लाख ट्रैक्टर का टारगेट था, अब के 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट होगा। हम निकलेंगे 40 के 40 लोग, पूरे देश में जाएंगे, 40 लोग जाएंगे पूरे देश में, गठबंधन के लोग जाएंगे पूरे देश में, और जो उस ट्रैक्टर शामिल होंगे उन मीटिंग में उसकी संख्या 40 लाख होगी। 40 लाख जाएंगे, या तो सरकार बात कर ले, हमारी बात मान ले, हमारे गठबंधन से बात कर ले, MSP पे कानून बना दे, 3 बिल वापसी ले ले और आगे कमेटी बना दे। काम तो बहुत है, किसान क्रेडिट कार्ड 300% का ब्याज देता है किसान, 300%, 1 लाख रुपए पे 1 रात के 10,000 रुपए देता है। कौन सा बैंक है, कौन सी फैक्ट्री चल रही है, कौन सी गुंडागर्दी है सरकारों की? दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला नहीं होगा, किसान के भाग्य का फैसला होगा किसान के खेत में होगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से राकेश टिका ने भाषण दिया है। तो यही था जानकारी देना आप लोगों को। तो कैसा लगा ये जानकारी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोगों का राय भी नीचे जरूर कमेंट करना कि ये तीनों किसी कानून वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और मेरा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नए जानकारी लेकर आप लोगों के लिए।